से चर्चा और बात करेंगे। सबसे पहले उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए नामांकन आज से, आपको बता दें शुरू। एमपी की दो और छत्तीसगढ़ की एक सीट पर होगा उपचुनाव। एमपी में विजयपुर और बुधनी सीट पर उपचुनाव होना है जिसके लिए नामांकन आज से शुरू। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। 25 अक्टूबर तक नामांकन भर पाएंगे प्रत्याशी, तो 25 अक्टूबर तक नामांकन प्रत्याशियों को भरना होगा। 13 नवम्बर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी, वहीं 23 नवम्बर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, 25 अक्टूबर तक नामांकन भर पाएंगे, 13 नवंबर को आपको बता दें एमपी और छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है। जिस तरह से दो सीटों पर उपचुनाव है बुधनी और विजयपुर, तो छत्तीसगढ़ में दक्षिण रायपुर सीट पर उपचुनाव होने वाला है जिसके लिए नामांकन आज से आपको बता दें शुरू। तो 25 अक्टूबर तक नामांकन भर पाएंगे। मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुधनी सीट पर उपचुनाव होना है, तो देखिए तारीखों का ऐलान हो चुका है जिसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन आज से नामांकन भी शुरू हो जाएंगे। तो 13 नवंबर को मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग होनी है, 23 नवंबर को एक साथ आएंगे उपचुनाव के नतीजे। बिल्कुल, और देखिए अगर हम बात विजयपुर सीट की करते हैं मध्य प्रदेश की, तो इस पर लगभग बीजेपी ने नाम फाइनल कर दिया है, रामनिवास रावत का नाम इस पर फाइनल किया गया है। वहीं बुधनी सीट पर, चूंकि ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी हाई प्रोफाइल ये सीट मानी जाती है, इसमें अगर हम बात करें तो अभी तक नाम फाइनल नहीं हुए हैं, जिसके लिए एक पैनल बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए बुधनी सीट को लेकर लगातार चर्चा भी की जा रही है, और सहयोगी अतुल भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए क्या हलचल देखी जा रही है, तारीखों का ऐलान तो हो गया, इंतजार पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन आज से तो नामांकन भी शुरू हो जाएंगे, क्या जानकारी, किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल साक्षी, मध्य प्रदेश की दोनों उपसभा सीटों पर आज के नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, फिर 30 तारीख तक स्क्रूटनी होनी है और उसके बाद नाम वापसी 30 तारीख तक का अंतिम दिन रहेगा। इसके अलावा 13 तारीख को मतगणना और उसके बाद फिर मतदान, फिर उसके बाद मतगणना की तिथि रहेगी। देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की दोनों सीटों के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरीके से अपने चुनावी मोड पर हैं, क्योंकि अब तो तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, बस ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक या दो दिन के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने उम्मीदवारों के पत्ते खोल देगी। देखिए कांग्रेस की तरफ से हम लगातार बैठक देख रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी हमने देखा किस तरीके से बैठकों के दौर चल रहे हैं, स्क्रूटनी की जा रही है, नाम के पैनल बनाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए अगर बीजेपी के मैं यहाँ पे जिक्र करूँ साक्षी, तो विजयपुर में लगभग जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि नाम लगभग तय है, रामनिवास रावत जिनके औपचारिक घोषणा होना बाकी है, क्योंकि ये कांग्रेस के विधायक थे लेकिन बीजेपी में पहुंचे और बीजेपी के टिकट पे ये चुनाव लड़ते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। देखिए इसके अलावा बुधनी की बात करूँ, देखिए बुधनी भी काफ़ी अहम सीट है बीजेपी के लिए, और बीजेपी की तरफ से कई दावेदार हैं, लेकिन एक दावेदार जिसका नाम अभी सुर्खियों में चल रहा है वो है कार्तिकेय चौहान, क्योंकि कार्तिकेय चौहान को लेकर जिस तरीके से हमने देखा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने साथ परिवार मुलाकात करते हैं, उस दौरान कार्तिकेय भी वहां पे मौजूद रहते हैं। उसके बाद से ही जो अटकलों का बाजार, सियासी जो एक बाजार है, वो गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि विपक्ष इस पे चुटकियां ले रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का यही मानना है कि परिवारवाद को लेकर जो बीजेपी तंज कसती थी, आज अगर बुधनी में कार्तिकेय टिकट दे दिया जाता है तो वो परिवारवाद बीजेपी के अंदर हमें दिखाई देगा। देखिए इसके अलावा अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से भी जो तैयारियां हैं वो भी अपनी पूरी जोरों शोरों से स्तर पर हमें दिखाई दे रही है। खासतौर पर अगर देखिए मैं बुधनी की बात करूं तो राजकुमार पटेल, हमने इसका जिक्र किया है, राजकुमार पटेल पूर्व में मंत्री रहे, दिग्विजय सिंह शासनकाल में एक लंबा अनुभव राजनीति का रहा है, राजनीतिक परिवार से वो आते हैं, ऐसे में बुधनी से एक बार चुनाव जीत भी चुके हैं, एक बेहतर चेहरे के तौर पर कांग्रेस उनको देख पा रही है। इसके अलावा विक्रम मस्तान अभिनेता रहे, उनको भी 2023 में चुनाव लड़वाया था, हालांकि हार का चेहरा देखना पड़ा था। विजयपुर की अगर हम बात करें तो विजयपुर में आदिवासी चेहरे को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि आदिवासी चेहरे को वहां पे चुनावी मैदान में उतारा जाए। मुकेश मल्होत्रा और छोटे राम के दोनों जो कांग्रेस के नेता हैं, जो लंबे समय से वहां पे सियासत कांग्रेस की जमीनी स्तर पे कर रहे हैं, तो देखिए उसमें से भी एक नाम फाइनल होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये अटकलें हैं, अटकलों के बीच में बिल्कुल अटकलों के बीच में ही सियासी जो बाजार है फिलहाल तो वो गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिलहाल तो कांग्रेस किसको चुनती है, किसके चेहरे पर दाव लगाती है वो देखना होगा। अंकुश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। अंकुश, चूंकि यहाँ पर एक सीट पर रायपुर दक्षिण पर उपचुनाव यहाँ पर होना है, ऐसे में क्या चर्चाएं हैं अब, किस तरीके की दोनों ही दलों की, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कैसी तैयारियां हैं? देखिए
देखिए, राजनीतिक दलों की अपनी तैयारियां हैं और उन्हीं तैयारियों के बीच कहीं ना कहीं दावे जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी जो है इस बार थोड़ा सा ज्यादा आत्मविश्वास में है, क्योंकि इस बार ब्रजमोहन अग्रवाल उस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट कही जाती है रायपुर दक्षिण विधानसभा। हाई प्रोफाइल इसलिए कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री और वर्तमान के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल 40 सालों से वहां पर चुनाव नहीं हारे हैं। मतलब 40 सालों से लगातार चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट अब इस बार उस सीट पर प्रत्याशी नहीं रहेंगे। ऐसे में कॉन्फिडेंस कांग्रेस का बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है वो विपक्ष में है और उनके पास अगर हारने के लिए कुछ नहीं है, अगर विपक्षी दल के तौर पर कहा जाए। और बीजेपी के लिए चुनौतियां बड़ी हुई है, क्योंकि बीजेपी से इस बार वो कैंडिडेट नहीं रहेगा जो लगातार जीत दर्ज करता आ रहा है, और इस बार दूसरा कैंडिडेट रहेगा तो चुनौती स्वाभाविक तौर पर बढ़ती हुई दिखाई। नाम को लेकर चर्चा है अंकुश, किस नाम को चर्चा है बीजेपी की ओर से? क्या अनुभव यहां पर देखा जा रहा है, वरिष्ठ अनुभव या फिर नया चेहरा प्रयोग करेगी बीजेपी? और कांग्रेस की ओर से भी जल्दी से नाम का जिक्र कर दीजिए जिसकी चर्चा हो रही हो। देखिए, जिस तरीके से संकेत दिए गए उस तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी इस बार भी नए नाम पर भी कहीं ना कहीं दाव खेल सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय श्रीवास्तव हैं, जो मंत्री भी हैं संगठन में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कन्हैया अग्रवाल का नाम बड़ी तेजी से आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रमोद दुबे, जो पूर्व महापौर रहे हैं, वर्तमान के सभापति हैं, उनका नाम भी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वही संजय श्रीवास्तव के अलावा बीजेपी की तरफ से जो है करीब एक दर्जन से ज्यादा नामों की फेहरिस्त जो है मार्केट में घूम रही है, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान को लेना है। और ऐसे में 20 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होनी है, उस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एक नाम तय हो जाएगा, क्योंकि प्रदेश चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी उस बैठक में कई नामों पर चर्चा हो चुकी है। देखिए, 25 तारीख से नामांकन तय होता है, किसका नाम सामने आता है वो देखना होगा। अंकुश, बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिए का, बहुत शुक्रिया आपका। अतुल, आप हमारे साथ जुड़े, आप बने रहिए हमारे साथ। अतुल, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं तो आगे बढ़ेंगे। भोपाल से एक और बड़ी खबर है।